अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुंब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द लाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medfort Multispeciality Hospital. Hi, मैं वदान शेख और आप देख रहे हैं न्यूज एफ के। सोलापुर जिला में बेमौसम बरसात होने के कारण एक किसान महिला के 10 से 15 लाख रुपए के पपैया खराब हो गए। उस किसान महिला ने सरकार से गुहार लगाई है, मेरे सारे पपैया के पंचनामा करके मेरा जो भी नुकसान हुआ है उसकी मुझे भरपाई करके दें, ताकि आने वाले समय में मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूं, वरना मैं कहां जाऊंगी, मेरे परिवार का कैसे पालन पोषण होगा। इस किसान महिला का नाम है चंद्रकांता नामदेव कोहली। जल्द से जल्द पंचनामा करके मेरा नुकसान जो हुआ है बिन मौसम बरसात के अंदर, सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरा नुकसान भरपाई करके दें, ताकि आने वाले समय में मैं मेरा परिवार का पालन पोषण करूँ, ऐसा इस महिला ने सरकार से अनुरोध किया है। क्या है वहाँ की हकीकत, किस तरह से वहाँ के लोगों ने मिलकर इस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, आइए देखिए हमारी इस खबर में। दाबू तेवढं फिरून फिरून काढायचं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।